So guys, welcome to yet another vlog. So today we are going to Haphlong. Hum ja rahe hain Haphlong Mount Tumjang. Sounds like very interesting. Mount Everest nahi hai, Mount Tumjang hai. Abhi 8 baj gaye, planning tha subah 6 baje nikalne ka, lekin hamare Apurva aur Deep Jyoti dono abhi tak pahunche nahi hai. Apurva ka thoda tabiyat kharab hai, Deep Jyoti raat ko party kar gaya hai. So that is why we are late, but we hope to reach Haphlong on time, and then we will explore the, you know, local places, and we will keep you updated. It will be a very nice vlog, so stay tuned and keep watching the video. Finally, हम लोग निकल गए हैं Haphlong के लिए. हमारे बाकी के मित्रगण अभी तक पहुँचे नहीं हैं. वो लोग उन लोगों का बहुत देर होगा ऐसा लगता है. तो हम लोग आराम से आगे बढ़ते जाते हैं. वो लोग थोड़ा स्पीड में आएंगे और कैचअप करेंगे. वी विल वेट फॉर देम इन नौगांव अनुराग ढाबा. तो वहाँ से वो लोग कैचअप कर लेंगे. We have reached Naugaon right now. हमको दीप भी मिल गया है रास्ते में. He caught up with us. लेकिन अपूर्व हिमज्योति एंड जीतू इज येट टू कम. वी विल बी हियर शॉर्टली इन लाइक 5-10 मिनट्स होपफुली. तो अनुराग ढाबा से हम लंच करके निकल गए. अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा माईबांग. उसके बाद ज़्यादा कैप्चर करेंगे अपना रोज वगैरह, कि जैसे ही हिल स्टेशन हम हिट करेंगे और अच्छा हो जाएगा व्यू, तो कैप्चर करने में बहुत मज़ा आएगा. तो आप बने रहिए, देखते रहिए और सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. What a heavenly road. बहुत ही सुंदर रास्ता है ये जो हाईवे. ये लंबा स्ट्रेच मिला है हाईवे का. ये हाईवे ना मक्खन है, मक्खन. सीरियसली इट्स अ मक्खन हाईवे. और हाईवे मक्खन तो है ही है, उसके ऊपर यू नो बहुत गाड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी यहाँ पे आपको. बहुत एम्प्टी हाईवे है, तो थोड़ा दबाने में मज़ा आता है यहाँ पे बाइक. लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा एक पॉइंट के बाद थोड़ा कर्वी भी हो जाता है, तो संभल के चलाना होता है. लेकिन हमारे जो दो राइडर है हिमज्योति और दीप ज्योति, R15 एंड हर्षकवर्णा, वो तो पूरा उड़ ही गए. हिमालय मेरा थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं 100 के ऊपर इसको ले ही नहीं जा पा रहा हूँ. पिकअप ही नहीं ले रहा 100 के ऊपर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. तो इसीलिए आई एम विद इन 100. लेकिन ये लोग तो उड़ के चले गए, लामडिंग पहुंच गए होंगे अभी तक. सो हाय गाइस, वी आर राइट नाउ समवेयर इन द हाईवे बिटवीन लामडिंग एंड योर माईबांग. सो दिस हाईवे इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी. So we got this spot and we are just halting beside the highway, and we are just chilling out for some time here, enjoying the nature. And after some time hum yahan se niklenge Maibong ke liye. Maibong abhi yahan se zyada dur nahi hai, it's hardly 40 kilometers, which can easily be covered in 45 minutes given the condition of the road. So
माईबोंग में जाके हम फिर हॉल्ट करेंगे, थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद वील अगेन हेड स्ट्रेट टू हाफलोंग। हम जा रहे हैं माईबोंग की तरफ। यहाँ से माहूर जो है वो 36 किलोमीटर्स है, और मैंने हाफ वे जहाँ पे हम लास्ट हॉल किया था हमने, वहाँ पे मैंने अपना बाइक चेंज कर लिया। तो मैंने दीप ज्योति का बाइक जो है वो लिया है हस्कावरना, तो ट्राई करने के लिए कि कैसा है हस्कावरना। तो माय गॉड द बाइक इज़ सो नाइस। आई मीन पहली तो बात ये है कि ऐसे देखते हुए लगता है ये बाइक छोटा है, लेकिन छोटा है नहीं। ओके, माईबोंग 28 किलोमीटर तो छोटा है नहीं बाइक, तो बाइक एक्चुअली इज़ उसका हाइट बहुत बड़ा है, सीट हाइट बहुत बड़ा है, आपका हिमालय से भी ज़्यादा है। तो उसके अलावा ए एक्सेलरेशन इज सुपर्ब एंड द थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज माइंड ब्लोइंग यार। थ्रॉटल इंस्टेंटली, यू नो, थ्रॉटल अप और थ्रॉटल डाउन आप कर सकते हैं, आपको डिफरेंस दिखेगा। प्लस द ब्रेकिंग इज ऑल्सो सो नाइस, द फीडबैक एंड द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेक इज ऑसम। आई मीन आपको, आप 120 के स्पीड में जा रहे हैं, सडनली आपको एक टर्न मिल गया एंड यू वांट टू टेक दैट टर्न, यू कैन टोटल डाउन एंड डाउन एंड पुल द ब्रेक स्लाइटली एंड यू नो द बाइक विल इमीडिएटली डिसेलरेट वेरी फास्ट एंड यू कैन ईजिली टेक द टर्न। इट इज़ अ सुपर बाइक, सुपर बाइक। सो वी आर समवेयर हाफ वे थ्रू आवर जर्नी, वी आर अबाउट 17 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माईबोंग एंड अबाउट 20 kilometers away from Mahur. So this highway is awesome. We are enjoying the entire highway and the scenic beauty along with it. And yahan se most probably Mahur se thoda off road shuru ho jayega 15 to 20 kilometers ka, wahan pe thoda tough hoga. To bane rahiye, hum ja rahe aage aur hum enjoy kar rahe hain, hamare sath aap bhi enjoy kijiye. Okay, bye bye. तो हम पहुंच गए हैं माईबोंग या सो हम पहुंच गए माईबोंग। सो माईबोंग पहुंच के हम माईबोंग हाईवे छोड़ के टाउन के अंदर आ गए, टाउन या गांव अभी जो भी बोले आप उसको, तो उसके अंदर आ गए इन सर्च ऑफ पेट्रोल पंप। गौतम और दीप ज्योति वहाँ पे पेट्रोल फिल कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली आगे हाफलोंग तक पेट्रोल पम्प मिलेगा कि नहीं पता नहीं, सो यहीं पर फिल कर लेना ही हमारे लिए अच्छा है। फिल करके फिर हम मोस्ट प्रॉब्ली माहूर में एक बार रुकेंगे, उसके बाद वी विल नॉट हॉल्ट एनीवेयर एंड विल स्ट्रेट अवे गो टू हाफलोंग। सो हाफलोंग में जाके देखते हैं, शाम को अगर हम निकल पाते हैं तो हम ज़रूर निकलेंगे बाहर ऐसे घूमने के लिए, लोकल साइट सीइंग के लिए। अगर नहीं तो रूम पे ही रहेंगे, थोड़ा चिल मारेंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे। तो हम माईबोंग से निकल गए हैं, माईबोंग से निकल के अभी थोड़े देर में ऑफ रोड का नज़ारा शुरू हो जाएगा। आगे जाके एक टनल मिलेगा हमको, वो टनल क्रॉस करने के बाद एक छोटा सा रास्ता आएगा, टनल पहुंचने से पहले एक्चुअली ऑफ रोडिंग शुरू हो जाएगा, ऐसे ही बोला इन लोगों ने, लोकल्स ने। तो चलिए आगे जाके देखते हैं ऑफ रोडिंग का नज़ारा। क्रॉस करके ये जो रास्ता है डाइवर्जन, तो यहाँ से हम जाते हैं हाफलोंग। हमको हाईवे छोड़ के अभी इस तरफ निकलना है,
तब हम पहुंचेंगे हफलोंग। तो सुनने में आया है ये रास्ता खराब है, लेट्स सी। हम लोग हाफलोंग के बहुत सामने पहुंच गए। हाफलोंग यहाँ से 8 किलोमीटर्स है। हाफलोंग भी इस तरफ है। ए टू हाफलोंग, अच्छा अच्छा हाफलोंग ये ऊपर की तरफ है। ओके लेट्स वेट फॉर देम। अभी हिल्स का मज़ा आने वाला है क्योंकि अभी रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है मेन। अभी हाफलोंग को हिल स्टेशन बोला जाता है, तो अभी मेन हाईवे से ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। तो अभी ऊपर जितना उठते जाएंगे तब क्लाइमेट भी चेंज होता जाएगा और नज़ारे भी चेंज होते जाएंगे। तो आप देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। सिलचर इस तरफ है, हाफलोंग इस तरफ है। तो जैसे ही हाफलोंग का इंक्लाइन रास्ता हमने लिया, थोड़ा ही दूर आके हमको मिला ये वेलकम टू जाटिंगा बर्ड वॉचिंग टावर। सो हमने सोचा अगर बर्ड वॉचिंग टावर दिखा है तो एक बार देख के जाते हैं, क्योंकि बार बार तो आना होगा नहीं। द लेजेंड इज कि यहाँ पे बर्ड्स सुसाइड करते थे। ऐसा मानना है कि यहाँ पे बर्ड्स आके इस एरिया में, जाटिंगा के एरिया में आके वो सुसाइड किया करते थे। तो या दैट इज़ व्हाट दे से। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज़ फैक्ट एंड हाउ मच ऑफ इट इज़ मिथ, बट व्हाटएवर, लेट्स आए हैं तो एक बार देख के जाते क्या है। तो ये जो वॉच टावर है वो देखने में ऐसे लगता है कि किसी का घर है। ओके ओ माय गॉड, तो यही है बर्ड वॉचिंग टावर जाटिंगा का। सो मोस्ट प्रोबेबली यही जाटिंगा है, दैट इज दिस इज जाटिंगा फॉर यू। सो इसके अलावा और कुछ है तो पता नहीं, हम बाद में हमको पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है यही है। और यहाँ पे कोई बर्ड तो दिख नहीं रहा हमको, तो या अभी तो दिखेगा नहीं, बिकॉज इट मे बी ईयर्स एंड ईयर्स बैक जब यू नो द नेचर वॉज मोर फ्रेश एंड प्योर एंड देर वॉज नो पोल्यूशन एंड देर वॉज लेस पॉपुलेशन। ऐसा हुआ करता था कि देर वर डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स कमिंग फ्रॉम माइग्रेटिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेज एंड कमिंग हियर एंड ड्यू टू सम रीजन doing suicide or dying, so yeah, that is it. So हम पहुँच गए हैं हाफलोंग। अभी हाफलोंग पहुँच के अभी हमको जाना है डिबाराय। सो डिबाराय में हमारा होम स्टे है, हम वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ से अब करीबन हार्डली 10-15 minutes होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं दिखा रहा है गूगल मैप भी। तो चलो अभी होम स्टे में जाके वहाँ पर थोड़ा चिल करके फ्रेशन अप होके हम फिर निकलेंगे बाहर। तो हम अभी पहुंच चुके हैं मतलब घुस चुके हैं हाफलोंग के, शायद ये टाउन एरिया होगा मेन एरिया, ये शायद हाफलोंग लेक होगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये हाफलोंग लेक है। तो अभी हमको जाना है दिबारा है, तो ये भैया ने बोला है जो आगे बुलेरो है कि चलो मेरे साथ, मैं तुमको लेके चलता हूँ दिबारा है।
तो हम चल रहे हैं अभी दिबारा की तरफ। यस, ये हाफलोंग लेक ही है, ये नया वाला ब्रिज है। तो दिबाराए हम पहुंच गए, दिबाराए पहुंच के अभी हम जा रहे हैं होम स्टे की तरफ, जो है हम्समाइडी होम स्टे। एक्सक्यूज मी, हम्समाइडी होम स्टे यही है क्या? हम्समाइडी होम स्टे माइफिल इधर ही है। हाँ, सो हम पहुंच गए होम स्टे में। सो दिस इज हम्समाइडी होम स्टे। सो बाकी अभी रूम के अंदर जाने के बाद हम लोग हैं अभी रूम में। इट्स ऑलमोस्ट 7:30 नाउ। सो मैं रूम में हूँ अभी फ़िलहाल, और मैं पहुंच गया था यहाँ अराउंड 5:30। फिर हम लोग बाहर गए थे कुछ खाने के लिए, एंड थोड़ा मार्केट, लोकल मार्केट घूमा, खाए पिए, और अभी आ गए हम रूम में। अभी आके हम क्या करेंगे, अभी टिप टॉप हम थोड़ा इन्जॉय करेंगे। हम लोग विल स्लीप अर्ली सो दैट टुमारो मॉर्निंग वी कैन गो अर्ली टू माउंट तुमजांग एंड देन डू द ट्रैक। सुबह वो क्लाउड का जो नज़ारा है वो मिस नहीं करना है, तो सुबह जल्दी जल्दी जाना है। सो विल स्लीप रियली अर्ली टूडे। या मीनवाइल इट वॉज अ वेरी गुड ट्रिप टिल हियर। माउंट तुमजांग का जो होगा वो मोस्ट प्रॉब्ली मैं सेकेंड पार्ट बनाऊंगा। यहाँ तक का जो भी था बहुत अच्छा था। राइड वॉज गुड, आई मीन द रोड वॉज ऑसम ऑसम। मतलब ऐसा रोड आपको मिलेगा नहीं राइड करने के लिए, बहुत ही बढ़िया रोड है। ऑल एंड ऑल गुवाहाटी से लेके यहाँ तक रोड एकदम मक्खन ही मिला यार, खराब रोड मिला ही नहीं एक्चुअली। सो दैट वॉज आवर एक्सपीरियंस टिल नाउ। सो या स्टे ट्यून फॉर योर तुमजांग ट्रैक जो हम कल करेंगे। आज के लिए यहीं पे गुड नाइट, बाय बाय।